आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग के रासायनिक गुण धर्म के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, कि जो हमारे अम्ल होते हैं कैसे वो धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करते हैं। तो जैसे हमारा तनु HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल, ये सभी धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके संगत धात्विक लवण तथा जल बनाते हैं। जितने भी हमारे धात्विक ऑक्साइड होंगे, मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, ये सब हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। इनसे ये अम्ल आपस में क्रिया करके संगत लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल ये हमारा बनाता है लवण तथा जल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है तो परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। यहाँ पर हमारा जिंक ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ जल बनता है। इसी तरीके से जब हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और जल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से जब सोडियम ऑक्साइड Na2O नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और जल का निर्माण होता है। ये था हमारा कि कैसे धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो था अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। अब हम बात करेंगे क्षार के रासायनिक गुणधर्म हमारे क्या होते हैं। तो जो क्षार के रासायनिक गुणधर्म है उसके अंतर्गत पहला जो हमारा है वो है धातुओं की क्षार से क्रिया। अब धातुएं जो होती हैं कैसे क्षार से क्रिया करती हैं, तो जैसे कुछ हमारी सक्रिय धातु होती हैं या फिर कुछ हमारे जो मध्य की सक्रिय धातु होती है, जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ये सभी की सभी धातुएं क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। इसका मतलब एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड आदि धातुएं जब किसी भी बेस से किसी भी क्षार से क्रिया करती हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस से मुक्त। हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर हमारा एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्रिया करता है। 2Al+2NaOH+2H2O ये बनाता है 2NaAlO2+3H2। जो हमारा मेन उत्पाद है वो हमारी हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से विस्थापित हो जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारा सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण भी होता है। इसी तरीके से जो हमारा जिंक धातु है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके Na2ZnO2+ हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से हमारी विस्थापित हो जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर हमारा सोडियम जिंकेट बनता है। इसी तरीके से हमारा टिन धातु है जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है यहाँ पर Na2SnO2 और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारी मुक्त हो जाती है। कुल मिला के कहा जाए तो जितने भी हमारे एल्यूमिनियम धातुएं हैं, जिंक धातुएं हैं, टिन धातुएं हैं, ये सभी के सभी क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। इसी तरह हमारा है अधात्विक ऑक्साइड की क्षार से क्रिया। यदि हम लोग अधात्विक ऑक्साइड की क्षार से क्रिया के बारे में बात करें तो जितने भी हमारे अधात्विक ऑक्साइड होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, SO2 आदि, ये सारे के सारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ये क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। एग्जाम्पल हमारा पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा है धात्विक हाइड्रोक्साइड और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति होती है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पर जल का निर्माण करता है।